कल सरकार में पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आज अलग अलग मिनिस्टर्स जो हैं चार्ज ले रहे हैं, क्या मुबारकबाद देना चाहता हूं सभी लोगों को जो मंत्री बने हैं, जो राज्य मंत्री बने हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज जो कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, जिनको सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं मुझे पूरा विश्वास है कि उनका कार्य सही तरीके से चलेगा और इस देश को, जब बात आप देश की स्थिरता की करते हो तो बात स्थिरता नीतियों में होनी चाहिए और किसी चार की घमंड में स्थिरता नहीं होनी चाहिए। तो अगर नीतियों की स्थिरता होगी तो निश्चित रूप से सरकार अच्छी तरह से चलेगी और मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। सर कई लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि मुस्लिम मिनिस्टर नहीं बनाया। देखिए ऐसा है, पहले तो मैं इस पे जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि अगर आप कहो किसी को कहो कि भाई इस धर्म का आदमी होना चाहिए, ठीक है, जो मंत्री बनते हैं अगर केवल आप जाति के आधार पर बनाओगे या धर्म के आधार पर बनाओगे तो वो सही नहीं होगा। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि इस देश में अगर 20 करोड़ मुसलमान हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई एक मुसलमान भी एक काबिल आदमी नहीं है। तो मैं धर्म के आधार की बात नहीं कर रहा, मैं काबिलियत के आधार की बात कर रहा हूं। तो काबिलियत के आधार पे सभी लोगों को मंत्रालय में शामिल करना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि इस देश में 20 करोड़ में से कोई भी मुसलमान काबिल नहीं है तो वो भी ठीक है, लेकिन ये धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए। सर इसके अलावा सवाल ये कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी को लेकर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की, उन्होंने बोला कि आपने बोला कि जिस तरह से उन्होंने काम किया माफ नहीं करेगी जनता, सर क्या नाराजगी है? बहुत भारी नाराजगी है, वक्त आने पे बताएंगे हम, क्योंकि हर मतलब कि बारीकी से देखा जाएगा कि सीईसी ने इस चुनाव में क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, किस तरह से किया, कैसे किया, क्यों किया, ये सवाल पूछे जाएंगे संसद में भी, संसद के बाहर भी। इलेक्शन ठीक से नहीं कराए गए, ये नाराजगी है या फिर नहीं? देखिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सब बात जनता जानती है। अब जनता के सामने कुछ छिपा नहीं हुआ तो आप सवाल पूछोगे तो मैं ही कहूंगा कि जनता से पूछ लीजिए, सभी जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर इसके अलावा नीट एग्जाम्स को लेकर भी आजकल चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग चल रही है। मैं तो शुरू से कह रहा था कि कोई भी ऐसी नीति खासतौर पर शिक्षा में या कृषि के उद्योग में आप कोई भी ऐसी नीति बनाते हो तो हर एक प्रदेश में वो लागू नहीं हो सकती। जो नीट एग्जाम है ये बन गया है सेंटर सेंट्रिक, सीबीएसई सेंट्रिक, और ये कभी इसका विरोध, खूब विरोध होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि हर चीज में आप यूनिफॉर्मिटी लाना चाहो, एक ऐसा देश है जिसमें 140 करोड़ लोग हैं, वहां आप यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते, आपको कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और इसका हुआ क्या है ना कि इस हमारे देश में लगता है कि कई देश बन चुके हैं और जो 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 1% जो लोग हैं वो तो अपने ही मगन रहते हैं अपनी ही जिंदगी में, क्योंकि उनको किसी चीज की कमी नहीं, और जो 80% लोग हैं उनको कमियां ही कमियां हैं। तो वो जो गैप है आपको उसको कमती करना पड़ेगा और ऐसी नीतियों के आधार पर करना पड़ेगा। कोई नाराज नहीं हो।